बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, अरे कहनी कि गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। एक महिला एसडीएम और उसके पति के आपसी झगड़े की खबरों के बाद ये गाना काफी ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर हर चौथी पोस्ट या हर तीसरी रील्स में इसी घटना का और इस गाने का जिक्र है। बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम, अरे कुर्ती के टूटल बा बटमिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, ए डबल चोटी वाली तुमके टांग ले जाई हो, जैसे महान गीतों के गायक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के सांसद जी ने तो बहुत पहले ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं पिंटू आर्यन आपका भाई और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार नेहा सिंह राठौर का गीत को लेकर आता हूं आप लोगों को एंटरटेन करवाने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि लगातार लोकसभा चुनाव 2024 आने वाली है, नेहा सिंह राठौर हमेशा से मोदी सरकार पे साधती है निशाना। दोस्तों मैं बता दूं कि मोदी सरकार को ईंट से ईंट बजा देने वाली नेहा सिंह राठौर ने एक ऐसा गाना लेकर आई है जिससे कि मोदी सरकार हिल कर रह चुके हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि लगातार योगी जी पे भी साधती है निशाना, क्योंकि जितने भी पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था, या मोदी जी हो या योगी हो, जितने भी बीजेपी सरकार के नेताएं हैं सिर्फ वादा करने जानते हैं और इस पे काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता उन लोगों को। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी चीज पे पहल करने के लिए नेहा सिंह राठौर जनता को संदेश देती है कि आप लोग इस चीज को समझिए और सरकार की जो मनगढ़ंत कहानी जो बनाते हैं सरकार की, मैं चुनाव के बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस चीज से अनजान है हमारी जनता। हमेशा गरीब मजदूर युवाओं के लिए आवाज उठाने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से गरीबों के लिए आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है। गरीब को आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करने वाली नेहा सिंह राठौर को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल यानी कि जोश बिहार को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप इस पे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेहा सिंह राठौर के ये गीत के अंत में, फिर बातें करते हैं। और गा गा करके सबको सलाह देते फिरते थे कि भाई अपनी लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, शहर में तो बिल्कुल भी मत भेजो पढ़ने के लिए, एक बार ये पढ़ ली गई तो कहीं हाथों से बाहर ना निकल जाए हमारे। लेकिन उनकी बातों का किसी ने बहुत लोड लिया नहीं, बड़ा बुरा हुआ भाई, लोगों ने पढ़ाया लिखाया लड़कियों को। लेकिन एक चीज, इस घटना के बाद जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से लोगों की कुंठा जाहिर हुई है भाई, वो तो कमाल है। जबकि ऐसे दसियों उदाहरण है जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है, या फिर कई प्रेमी प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांग करके संबंध खत्म कर लेते हैं, या कुछ तो पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं पुरुषों की मर्दों की बात कर रही हूं, जो खुलेआम समाज में खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा महिलाओं और लड़कियों की होती है कि भाई देखो एसडीएम बना दिया, कर ली ना दूसरे से अफेयर और ये सारी चीजें।